नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको एलिगेशन या मिश्रण का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। बहुत बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर एलिगेशन बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरे सारे वीडियो देखने हैं। दोस्तों अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है मुझसे तो मेरा कालमी करके वीडियो देखें। एक मैंने कालमी करके डाल दिया है जिससे आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं एलिगेशन या मिश्रण। दोस्तों बहुत ही सुपर तरीके से बताएंगे, बस आपको मेरे चैनल मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आपको कन्फर्म होगा एलिगेशन। आइए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। दोस्तों एलिगेशन या मिश्रण, क्लियर? मिश्रण क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक, एक नहीं दो या दो से अधिक वस्तुओं को या पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक नया मिश्रण बनके तैयार हो जाता है, क्लियर? और दोस्तों जब हम मिश्रण मिलाएंगे तो कभी भी मिश्रण या सोल्यूशन नेगेटिव में नहीं होगा। अगर आपने गिलास में पानी रखा ले रखा है, एक बूंद अगर नींबू भी उसमें डालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। कभी भी सॉल्यूशन को ऋणात्मक में नहीं लेना है। और दोस्तों जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीकों से मिलाया जा सकता है, कई तरीकों से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको एक सुपर फास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए कैसे। तो दोस्तों सॉल्यूशन जब दो होंगे तभी मिलेगा। और यहां से अगर हम आपको बताएं तो मैं आपको एक पी ग्राफ करके बताता हूं, ट्रिक है ये पी ग्राफ, क्लियर? पी बेली वाला पी ग्राफ। तो दोस्तों करते क्या है कि अगर हमने यहां पर कोई एक पदार्थ ले लिया, मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, क्लियर? और दूसरा यहां पर कोई एक पदार्थ ले लिया, मान लेते हैं यहां बाई है, ये एक बाई ग्लास में पदार्थ है, क्लियर? एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे मिलाएं, अगर हमने इन दोनों को आपस में ऐसे डाला, क्लियर? तो यहां पर एक नया मिश्रण जन्म लेगा या एक नया मिश्रण होगा जिसका नाम क्या होगा, जेड होगा, क्लियर? अब इन दोनों से तो देखिए दोस्तों बी बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल। अब दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये हमारी पहली वस्तु है, क्लियर? ये हमारा पहली वस्तु है और ये हम मान लेते हैं उस देर के लिए कि ये हमारी सेकंड वस्तु है या दूसरी वस्तु है, क्लियर? ये हमारी पहली वस्तु है और ये हमारी सेकंड वस्तु है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि करना क्या है कि जब इन्होंने इसमें डाला और ये डाला तो नया मिश्रण बना। तो दोस्तों जो ये जेड होता है यही हमारा मिश्रण होता है या एलिगेशन कहलाता है, क्लियर? अब दोस्तों ये जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन का मान या मिश्रण का मान सदैव इन दोनों के एक्स और वाई के मध्य में होगा, ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा, क्लियर? तो अब यहां से दोस्तों जो मान बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे तो यही हमारा मिश्रण होता है। तो मान लेते हैं कि इसमें से हमने ये लेस किया, तो जब इसमें से ये लेस करेंगे तो इसमें से ये लेस करेंगे तो एक्स माइनस जेड प्राप्त होगा, एक्स माइनस जेड प्राप्त होगा। और अब जब इसमें से ये घट गया और बी बनाना है तो अब हमारी मजबूरी हो गई कि इसमें से ये घटाएं तो हमारा ये मान प्राप्त होगा और ये दोस्तों होगा जेड माइनस वाई, क्लियर? तो जो एक नया फार्मूला मन के सामने आया वो क्या है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला बना, ये अपॉन ये यानी कि ये अपॉन ये बराबर जेड माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड, यही दोस्तों पी फार्मूला है, क्लियर? अब इस चीज को समझ लेते हैं कि मिडिल मान क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहां समझाता हूं कि मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसका मान है 8, एक्स बराबर 8 है और दोस्तों इसका मान हम मान लेते हैं कि ये हमारा 15 है या 15 मान है। तो दोस्तों जो ये जेड मान आएगा वो यहां पर देख लेते हैं 8 ऊपर यहां 7 कर देते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्लियर? तो दोस्तों यहां पर क्या है, ये है मान और यहां पर कितना है, ये है मान, क्लियर? तो जो जेड का मान होगा वो कभी 7 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक ग्लास पानी था आपने
आपने नींबू निचोड़ा और पानी आधा हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोल्यूशन कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। तो अब यहाँ कभी 7 नहीं हो सकता या कभी 16 नहीं हो सकता जेड का मान, जेड का मान कभी 15 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो रहेगा उसमें कुछ डालोगे तो पॉजिटिव भी होगा। और दोस्तों 8 भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो जेड के मान है वो 9 हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 11, 12, 13 और 14 केवल यही मान हो सकते हैं, किसके जेड के, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको देखना है कि अगर यहाँ 8 है और यहाँ पे 15 है और मिश्रण यदि 7 का बना रहा है, इम्पॉसिबल, कभी नहीं बनेगा, या अधिक का बना रहा है या कम का बना रहा है, कभी नहीं बनेगा, मिडिल मान बनेगा, हमेशा इन दोनों के बीच का ही मान मिश्रण होता है। क्लियर? तो अब दोस्तों ये हमने फार्मूला आपका जनरेट कर दिया। अब दोस्तों जितने भी टाइप के हैं क्वेश्चन, आप कोशिश करिए, चाहे वो चिड़िया और कबूतर वाले हो, चाहे वो पर्स में पैसे रखने वाले हो, चाहे वो अल्कोहल में शराब मिलाने वाला हो, चाहे वो धातु वाले हो, सारे प्रश्न को इसी से लगाइए। तो आइए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नजदीकी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। 15 रुपया पर केजी तथा 9 रुपया पर केजी के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल 13 रुपया पर केजी हो जाए। क्लियर? तो दोस्तों हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था बी डायग्राम। तो पहले कितने रुपए केजी है? 15 रुपया पर केजी, 15 रुपया पर केजी की दाल, और यहाँ पर कितनी है? 9 रुपया पर केजी। तो यहाँ पर 9 रुपया पर केजी की दाल, ये हमारी दाल पहली हो गई और ये हमारी, सॉरी, ये चावल, दूसरा चावल हो गया, कितने रुपए पर केजी। अब कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब कितना कितना मिलाया जाए कि इस मिश्रण की वैल्यू कितनी हो जाए? 13 रुपया पर केजी हो जाए। मिश्रण की दाम 13 रुपया पर केजी हो जाए। दोस्तों निकाल दीजिए, ये 15 है तो इसमें से ये घटेगा, ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसमें से ये घट गया और बी बनाना है तो इसमें से ये घटेगा, तो 9, 10, 11, 12, 13, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, इसको सिंपलीफाई भी कर दो, 2 × 2, 2 × 2 = 4। क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 = 2/1, यानी कि 1:2 = 2:1, यानी कि ये वाली 2 केजी मिलाई जाए तो ये वाली कितनी मिलानी पड़ेगी? 1 केजी। क्लियर? अब दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी मिश्रण का मान पूछ लेगा, अनुपात दे देगा। क्लियर? तो दोस्तों इसमें 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब आप इस टाइप के प्रश्न को कर लीजिएगा। मैं आपको चलता हूं सेकंड लेवल पे। देखिए दोस्तों, अभी 2 दालें मिल रही थी, अब यहाँ 3 दालें मिलेंगी। 18 रुपया पर केजी, 24 रुपया, 25 के तीन प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल 20 रुपया पर केजी हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पहली दाल लेते हैं, ये है 18 रुपया, और दूसरी दाल यहाँ पर देखेंगे तो दूसरी दाल है हमारी 24 रुपया, और दोस्तों यहाँ पर तीसरी दाल है 25 रुपया पर केजी। क्लियर? अब हमें मिश्रण कितने का बनाना है? 20 का या 20 का, तो बताइए 20 कहाँ लाइक करेगा? तो दोस्तों 20 यहाँ कहीं आएगा। क्लियर? और हमेशा मिश्रण का मान मिडिल वैल्यू होती है, तो हम क्या करें, एक बार इसका और इसका रिलेशन ले लें, इन दोनों का रिलेशन ले नहीं सकते, और एक बार इसका इसका रिलेशन ले लें तो हमारी वैल्यू दोनों कंडीशन में कहाँ होगी? बीच में होगी। तो देखिए कैसे, पहला हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया, पहला और दूसरा, तो पहली कंडीशन में हमने पहला और दूसरा लिया। तो दोस्तों पहला है कितना, ये पहली दाल है हमारी 18 रुपया और दूसरी दाल हमारी कितनी है, दूसरी है 24 रुपया। अब इनसे जो मिश्रण बना वो कितना बन रहा है? 20 का, देखिए मिडिल वैल्यू है। तो दोस्तों इसमें से अगर इसको हम लेस करेंगे तो 4 बचेगा, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4। दोस्तों इसका अगर हम अनुपात लेंगे, ये अपान ये बराबर ये अपान ये, तो यहाँ पर 1:2 = क्या हो जाएगा? 2:1, ये हमको मिल गया। अब दोस्तों एक हम क्या लेंगे, इनके और इनके बीच में ले लें, मतलब फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड अगर हम लें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पहली लिया,
लिया और यहाँ पर कितना थर्ड लिया। अब पहली कितनी है 18 रुपया और दोस्तों दूसरा कितना है, ये पहला 18 रुपया और दूसरा कितना है 25 रुपया। इनसे मिश्रण कितने का बनेगा, 20 का बन जाएगा, दोनों के मिडल में आना चाहिए। 25 में से ये घटेगा, कितना बचेगा 5। हमेशा दोस्तों बड़े मान में से छोटा मान घटाते हैं क्योंकि सॉल्यूशन कभी ऋणात्मक में नहीं लेते, और इसमें से अब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:3 बराबर 1:3 बराबर 5:2, 1:3 बराबर 5:2। अब दोस्तों करते क्या है कि कुछ लोग इसका अनुपात निकाल देते हैं, इन दोनों का अनुपात नहीं निकालना है, अनुपातों को जोड़ देना है, अनुपात नहीं निकालना है, अनुपातों को जोड़ देना है। तो दोस्तों जोड़ देते हैं अनुपातों को, तो देखिए एक हमारा 2 बार आया है और इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हम 1+1 इसका 1 और इसका 1 और यहाँ अनुपाते 2 और अनुपाते 3। क्लियर दोस्तों, अनुपात नहीं निकालना है इनका, अनुपातों को जोड़ देना है। तो यहाँ 1 की वैल्यू पहले इसमें कितनी है 2 है और इसमें कितनी है 5 है, अनुपाते 2 की वैल्यू है कितनी है 1 है और 3 की कितनी है 2 है, तो 5 2 7 1:2। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि पहली वाली दाल कितनी 7 किलो, दूसरी वाली दाल 1 किलो और तीसरी वाली दाल 2 किलो मिलाई जाए। अब दोस्तों इसमें भी 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी ये दे दे, कभी अनुपात दे देगा, ये दे देगा, मिश्रण पूछ लेगा, कभी आपको एक दाल नहीं देगा, मिश्रण दे देगा, अनुपात दे देगा, ये पूछ लेगा। दोस्तों 5 टाइप के प्रश्न भी बनेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये है, एक पर्स में 50 रुपए तथा 20 रुपए के 25 नोट हैं, यदि पर्स में कुल 680 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके तरीके बहुत हैं लगाने के, लेकिन एलिगेशन से कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट, क्लियर, 50 रुपए के नोट अगर लेके चले तो मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट 25 होते, क्लियर, मान लेते हैं कि 50 पर्स में 50 रुपए के 25 नोट 50 के होते, क्लियर, तो पर्स में जो धनराशि है वो कितनी होती 1250 होती, क्लियर। अब हम अगर यहां देखें कि 20 के नोट हैं, तो 20 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट हैं, तो अब हम देखेंगे कि 25 के 20 नोट 25, 25 के 25 नोट 20 के होते तो हमें क्या हो जाता, 20 × 25 हो जाता, 25 × 50, यानी कि ये कितना पर्स में होता है अमाउंट, 500 होता, क्लियर। अगर 50 के 25 होते तो इतना अमाउंट होता, इतने कर देते तो इतना होता, लेकिन पर्स में अमाउंट है कितना, पर्स में अमाउंट है इन दोनों से मिक्सर करके 680, क्लियर। अब हमने बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 570 बचेगा, क्लियर। अब इसमें से ये घट गया तो इसमें से घटना मजबूरी हो गई, तो दोस्तों इसका मान कितना होगा 180 होगा। इसको यहीं काट दो, दिस से दिस कैंसिल आउट, 3 से काटो, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, ये 6 और 19 कितना हो गया 6 और 19 हो गया दोस्तों, क्लियर। अब यहां से हम देख लेते हैं कि ये अपान ये बराबर ये अपान ये, तो कहने का मतलब है कि 50 के नोटों का अनुपात और 20 के नोटों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6:19 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 50 के नोट, तो 50 के नोट अगर निकालना है तो ये क्या होता है 6 अपान अनुपात क्यों, यानी कि 19 और यहाँ पर 6 कितने हो जाएंगे 25 इनटू टोटल कितने थे 25, 25 से 25 कैंसिल आ रहे, टोटल कितने नोट हो गए 6 नोट हो गए। अब 6 नोट अगर 50 के हैं तो बचा कितना, 50 के बाद 20 का निकाल सकते हैं, चाहे बाद दे दीजिए या घटा दीजिए, तो यहाँ पर 19/25 × 25, दिस से दिस कैंसिल आउट, कितना बचा 19। दोस्तों दोनों को देखो 25 नोट आ रहा होगा, तो
₹50 के उस पर्स में 6 नोट हैं और ₹20 के 19 नोट हैं। अब दोस्तों कभी इसमें कभी कभी पैसे कह देता है तो आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर लगाइएगा, आंसर जरूर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर तथा कुछ तोते हैं, कुछ बंदर तथा कुछ तोते हैं पैरेट, यदि पैरों की संख्या 52 हो और सिरों की कुल संख्या 20 हो तो ज्ञात कीजिए चिड़ियाघर में कितने बंदर और कितने तोते। तो दोस्तों इसके भी कई तरीके हैं, सिंपल तरीका है कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, ये 4 वाले निकल जाएंगे और घटा दीजिए सीधे। बट मैं एलिगेशन बता रहा हूँ तो इसको एलिगेशन, क्योंकि मिक्सर हो रहा है पैरों का और सिरों का, क्या है मिक्सर है। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं मंकी और यहाँ पर ले लेते हैं पैरेट। क्लियर, ये दिमाग में लगाइए कि यदि मंकी है तो मंकी में कितने पैर होते हैं 4 और पैरेट में कितने होते हैं 2। तो सोचिए कि यदि 20 और सिर टोटल सिर कितने हैं, सिर कितने हैं 20, तो सोचिए कि 4 पैर वाले 20 सिर होते, यानी कि 4 पैर वाले यानी कि 20 मंकी होते, अगर उसमें 20 मंकी होते तो पैरों की संख्या से कितना हो जाता, 80 पैर हो जाते। अगर सोचो कि उसमें 20 के 20 पैरेट के सर होते तो क्या हो जाता, 2 पैर होते हैं पैरेट में और यहाँ पर 20, तो टोटल कितने हो जाते, 40 पैर हो जाते। लेकिन दोस्तों मंकी में 4 पैर, पैरेट में 2 पैर। अब लेकिन 80 हो रहा है 40, कितना हो रहा है 52 हो रहा है। क्लियर, कितने पैर हो रहे हैं 52, देखो मिडिल वैल्यू है, जरूर मिडिल वैल्यू होगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ें तो 80 इसमें से ये घटेगा तो ये मान प्राप्त होगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या बचेगा 28 और इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 12। क्लियर, अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 12 बचेगा। आप इसको काट डालिए तो 3 से काटिए 2 से काटिए, 2 छम 12, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 3 अनुपातें कितना 7। तो ये क्या हो जाएगा, मंकी अनुपातें पैरेट बराबर 3 अनुपातें 6। क्लियर, अब दोस्तों जानते हैं कि मंकी इज इक्वल टू 3 अपान अनुपाते क्यों, अनुपाते क्यों 7 3 10 इनटू सिरों की संख्या कितनी थी 20, दिस से दिस कैंसिल आउट 3 दूना 6, तो उसमें कितने मंकी हैं 6 मंकी हैं। अब चाहे तो 20 में से घटा दीजिए तो कितने बचे 14 पैरेट बचे, अदरवाइज निकाल दीजिए पैरेट इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 इनटू 20, दिस से दिस कैंसिल आउट 7 बटे 10 इज इक्वल टू 7 दूनी 14। दोस्तों जोड़ कर देख लो आंसर जरूर आ जाएगा। क्लियर, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पे एग्जाम बेस्ड बनता है कि जब हम कोई परीक्षा देके आते हैं तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि मैंने कितने प्रश्न सही और कितने गलत किए। तो दोस्तों क्योंकि मिक्सर हो रहा है सही और गलत का, एक परीक्षा में 120 प्रश्न हैं, एक प्रश्न सही करने पर 1 अंक मिलता है, जबकि एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 यानी कि 1/3 अंक कट जाता है। इस परीक्षा के विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल किए और उसे कुल 80 अंक मिले हों तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत किए। तो दोस्तों मिक्सर हो रहा है सही गलत का, एलिगेशन हो जाएगा, जनरल भी मैं इसको बता सकता हूँ लेकिन एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एलिगेशन से देखे कि ये दोस्तों देखो कि यहाँ पर राइट और रॉन्ग का चक्कर है, तो यहाँ पर क्या है राइट और इधर क्या है रॉन्ग। क्लियर, मिक्सर है। तो दोस्तों ये बताओ कि यदि 120 पूरा एक क्वेश्चन में एक सही होता है तो यदि उसने 120 के 120 प्रश्न सही किए होते तो उसको कितने नंबर मिलता, उसका मार्क्स कितना आता 120 आता। अगर दोस्तों ये सोचो कि उसने 120 के 120 प्रश्न गलत कर दिए होते तो कितना 1/3 के हिसाब से कटता, तो दोस्तों कितना हो जाता 1/3 यानी कि माइनस में कटता इनटू कितना 120 यानी कि माइनस का कितना माइनस में चला जाता या माइनस के 40 नंबर पाता। क्लियर, अब दोस्तों ना माइनस में जा रहा है ना ये जा रहा है मिडिल वैल्यू,
पहलू पर कितना आ रहा है, 80 नंबर वो पा जा रहा है। गलत, 80 नंबर पा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें से अगर ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 40, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने की वजह से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, ये दोस्तों हो जाएगा 120, 8 4 12। अब दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, दिस से दिस कैंसिल आउट, 4 1 4 और 4 3 12। तो दोस्तों राइट अनुपात में रॉन्ग, राइट अनुपात में रॉन्ग बराबर कितना हो जाएगा, 1:1, सॉरी राइट अनुपात ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, यानी कि 3:1। अब हमें राइट निकालना है तो 3/1 के योग अनुपात में 3 और 1 4 इनटू यहां पर कितने थे 120, 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 3 3 9, उसने 90 क्वेश्चन सही किए। अब 100 में से सॉरी 120 में से अगर 90 घटा दीजिए या आप जनरली निकाल दीजिए, तो निकाल देता हूं, तो रॉन्ग इज इक्वल टू रॉन्ग कितना 1/4 इनटू 120, दिस से दिस कैंसिल आउट, उसने दोस्तों कितना 30 क्वेश्चन गलत और 90 क्वेश्चन सही किए। अब इसको आप देख सकते हैं दोनों जोड़ करके, तो हमारा कितना आ जाएगा 120, तो उसने कितने राइट 90 और रॉन्ग 30। क्लियर। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, तांबा तथा जस्ते, ये धातुओं से कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तांबा तथा जस्ते की दो मिश्र धातुएं हैं, तांबे तथा जस्ते की दो मिश्र धातुएं हैं, पहली धातु में 90% तांबा है, 90% तांबा है, तथा दूसरी धातु में 30% जस्ता है। पहली धातु के 300 ग्राम के साथ, जो पहली धातु है उसकी मात्रा है 300 ग्राम, 300 ग्राम के साथ दूसरी धातु की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नई धातु में जस्ता 25% उपस्थित हो। तो दोस्तों चाहो तो आप इसको तांबा तांबा करके निकाल लो या जस्ता जस्ता करके निकाल लो। तो आइए देखते हैं, पहले तांबा निकाल देते हैं फिर जस्ता भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ तांबा ले लेते हैं, मान लेते हैं पहली धातु, ये कौन सी है पहली धातु, तो पहली धातु में कापर है, मान लेते हैं यहाँ पर कापर मतलब सी ले लेते हैं, कापर मतलब सी, तो हमने यहाँ पर कापर की मात्रा इस पहली धातु में, कह रहा तांबे का जस्ते की दो मिश्र धातु में, तो पहली धातु में 90%, तो पहली धातु में 90% तांबा, तो देखा जाए तो जस्ता कितना होगा 10%, आउट ऑफ 100 हो जाएगा। अब दूसरी धातु पे अगर हम चले तो दूसरी धातु में फिर देखते हैं, तथा दूसरी धातु में 30% जस्ता है, जब 30% जस्ता होगा तो कापर कितना होगा, तो इस दूसरे में कापर कितना होगा 70% होगा, कापर 70% होगा। अब इसमें हम कापर लेके चल रहे हैं तो इनसे जो हमारा मिक्सचर बनेगा, तथा तीसरी धातु में कितनी मात्रा मिला दी जाए जिससे प्राप्त मिश्रण में, यानी कि ये मिश्रण बनेगा, मिश्रण में 25% जस्ता हो, जब 25% जस्ता होगा तो कापर कितना होगा, तो कापर दोस्तों इसमें कितना होगा 75%, 25 75 100। क्लियर। अब यहाँ हमने कापर कापर की मात्रा निकाल ली, अब कह रहा है कि पहला वाला जो है कितने ग्राम है, पहली धातु की मात्रा है 300 ग्राम, पहले मात्रा 300 ग्राम, इस मात्रा हमें पूछी गई है, इसको मान लेते हैं कितना x है, निकाल दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 80, यानी कि ये 15 बचेगा, और इसमें से जब ये घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब हम जानते हैं कि ये अपान ये बराबर ये अपान ये, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 300 अपान x बराबर ये अपान ये बराबर ये अपान ये, तो यहां इसको सिंपलीफाई कर लो, 5 1 5 5 3 15, तो दोस्तों 1/3 कितना 3 हो जाएगा, और इधर अगर गुणा कर देंगे तो x = 3 3 900 ग्राम, तो दूसरी धातु की मात्रा कितनी हो गई 900 ग्राम। अगर दोस्तों इसको आपको कापर लेके चलना है जस्ता, तो जस्ता लेके चल दीजिए, तो पहली धातु है, पहली धातु की कितनी ग्राम है 300 ग्राम, इसमें अगर हम जस्ता मान लीजिए जेड ले लें, जब कापर हमारा कितना है 90 है, तो जस्ता कितना रहा होगा 10%, और दूसरी मिश्र धातु है जिसमें हमको बतानी है इसकी मात्रा, और अगर इसमें जेड लेंगे तो देखिए आपको दिया गया है दूसरी धातु में जस्ता कितना है 30%, अब इसके मिश्रण में जब हम चलेंगे तो इसमें जस्ता कितना है 25%,
अब इसको लेस कर दीजिए तो दोस्तों इसमें से ये घटेगा तो 5 बचेगा, और इसमें से अगर ये घटेगा तो कितना बचेगा 15, 5 एक कम 5, 5 दिया ये अपान ये बराबर ये अपान ये, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो ये 300 अपान एक्स बराबर एक बटे एक बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे एक्स इक्वल टू 900। चाहे आप कापर लीजिए, कापर कापर लीजिए दोनों को धातुओं में, या दोनों धातुओं में जस्ता जस्ता लीजिए, करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो बर्तनों में ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा दूसरे में 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और या तथा आधा पानी हो जाए, आधा पानी हो जाए। अब देखिए कैसे, तो दोस्तों हम इसको मान लेते हैं कि दूध दूध निकालिए या पानी पानी निकालिए, तो हम पहले दूध दूध निकालते हैं। तो देखते हैं पहला ये मान लेते हैं कि ए है, और ए में अगर हम मिल्क की मात्रा निकालें तो ए में ये है मिल्क की मात्रा, तो ए में मिल्क की मात्रा दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम निकालें कि 5/5 = 3 8 हो जाएगी। क्लियर भाई, अनुपात अगर दिया है कि ए इज इक्वल टू 5:3 तो ए में मिल्क की मात्रा 5/8 और वाटर की मात्रा 3/8। क्लियर, तो ये ऊपर से जान लीजिए ये 5/8, और इस वाले में यदि हम मिल्क की मात्रा निकालें तो बी वाले में यदि हम मिल्क निकालें तो क्या हो जाएगा 2/अनुपाते क्यों, तो अनुपाते क्यों कितना 3:5 हो जाएगा। क्लियर, अब दोस्तों ना तो हमसे ये कह रहा है ना तो हमसे ये कह रहा है, अब कह रहा है कि तथा उसमें आधा दूध आधा पानी हो, तो जो तीसरा मिश्रण हमारा इनसे बन रहा है जिसमें हम डाल रहे हैं मिलाए गए नए मिश्रण में, तो ये आधा दूध आधा पानी यानी कि 1/2 पानी और 1/2 दूध, तो ये दोस्तों क्या कह रहा है, ये भी मान लेते हैं ये सी मिश्रण बना, और सी मिश्रण का जो मान आएगा वो 1/ कितना है 2 होगा। क्लियर, अब इसी को हम हल कर लेते हैं वही आंसर हो गया। अब दोस्तों देखें ये मान हमारा बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो इसमें से घटाइए 5/8 - 1/2, अब इसमें से जब ये घटा दिए तो देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8 आएगा। यहाँ देखिए अगर 2 × 4 करेंगे 1 घटेगा 1/8। अब अगर इसमें से हमको ये घटाना है तो दोस्तों ये 1/2 - 2/5, तो 5 × कितना हो जाएगा 10 यानी कि 1/10, ये हमारा कितना गया 1/10। अब हम जानते हैं कि ये अपान ये बराबर ये अपान ये होता है, तो दोस्तों ए अपान बी बराबर यहाँ पर ये अपान ये यानी कि 1/10 / 1/8, इसको इंटरचेंज जब हम करेंगे तो ये 1/10 × 8/1, तो 4 × 2 से काटिए 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, तो दोस्तों ए अनुपाते बी बराबर कितना हो जाएगा, ए अनुपाते बी 4:5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए, यानी कि ए 4 लीटर और बी 5 लीटर मिलाया जाए, ये हमारा रेशियो हो गया। अब दोस्तों यदि अगर आपको अभी मिल्क में बहुत सारे टाइप बच रहे हैं, क्लियर, मिल्क से संबंधित 3-4 टाइप हैं, और दोस्तों जो भी टाइप बचे हुए हैं उनमें एक अलग चीज जुड़ी हुई है जिसके साथ प्रॉफिट आने लगेगा, है मिक्सचर का क्वेश्चन बट प्रॉफिट लॉस जुड़ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, एवरेज चैप्टर जुड़ जाएगा, तो दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप इनको लगाइए और प्रैक्टिस करिए, उम्मीद है सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, बस थोड़ा सा सेंस यूज करने की जरूरत है। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन फंसता है आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं, तो दोस्तों कमेंट्स करिए, लाइक करिए, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं आपको उतने ही जल्दी नया वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं फिर वही लास्ट बार कह रहा हूँ, मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि आप सभी लोग पढ़ जाएं, जितने गरीब बच्चे हैं जहाँ तक शिक्षा जिनके नसीब में नहीं है मैं उन्हें देने की कोशिश करूंगा, और आने वाले भविष्य में गरीब बच्चों के लिए अपने यहाँ शिक्षा फ्री कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।